बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वेब के ज़रिए हम अपना टेबल्स वगैरह, कोई शॉर्ट्स की है, कोई टेक्स्ट वगैरह है, उसको हम कैसे अपने एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह के आप ये देख रहे हैं कि कंप्लीट ये हमारे पास एक्सेल के अंदर आए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये बेसिक पीस शॉर्टकट हैं, पीसी की हैं, एक्सेल की हैं, वर्ल्ड की हैं, ऑटोकैड वगैरह की, कोई भी शॉर्टकट्स या कोई भी कमांड आप एक्सेल के अंदर वेब के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वेबसाइट हमने ये माइक्रोसॉफ्ट की ओपन हुई है, जिसके अंदर ये पूरी इसकी शॉर्ट्स कीज वगैरह हैं, सारा कुछ इसकी डिटेल्स वगैरह इधर आई हुई होती है। तो इन डेटे को हम इधर से हर टाइम वेब के ऊपर ओपन नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात हमें इसके फॉर्मेटिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसके टेक्स्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम इधर से कॉपी करके जब एक्सेल के ऊपर पेस्ट करते हैं तो वो डेटा हमारा ठीक नहीं आता। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये कम्प्लीट जो डेटा है, जो जिस तरीके से भी आपकी वेब फॉर्मेटिंग के ऊपर डेटा है, इस डेटे को आपने एक्सेल के ऊपर इस तरह की शीट के ऊपर आप कैसे उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, टेबल्स वगैरह, बड़े बड़े टेबल्स वगैरह होते हैं, इनको आप बहुत आसानी के साथ अपनी एक्सेल की शीट के अंदर इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं पूरा प्रॉपरली मेथड के जरिए, और इसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इंजीनियरिंग की सर्विसेज फ्राहम करते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट सर्वे वर्क से लेकर रोड डिज़ाइनिंग है, कनाल डिज़ाइनिंग है, एजमेट सर्वे है, बिल्डिंग मल्टी स्टोरा स्टोरेज प्लाजा, इसी तरह लैंड डेवलपमेंट प्लानिंग है, कोई टाउन प्लानिंग वगैरह आप करवाना चाहते हैं, टॉपोग्राफिकल सर्वे, हर किस्म का टॉपोग्राफिकल सर्वे, लैंड सर्वे आप हमसे करवा सकते हैं। गूगल सर्विसेज के ऊपर सारे मैप्स वगैरह गूगल पर आप बनवाना चाहते हैं, मैप्स बन जाएंगे, KML KMZ फाइल्स वगैरह, और इसी तरीके से हाउस प्लान वगैरह जितने भी हैं वो सब की सर्विसेज हम फ्राहम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो आप मुझे कॉल और कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो भी आप ऑनलाइन इनके वाले से काम करवाना चाहते हैं मेरे इन नंबर्स के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास इसकी पूरी कंप्लीट टीम मौजूद है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप इस टेबल्स वगैरह को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि पूरी हमारे पास ये एक्सेल की शॉर्टकट है, कंप्यूटर पीसी के जो बेसिकली शॉर्टकट्स हैं सारी इसकी पूरी डिटेल है, बहुत यूज़फुल शीट है। आप इस शीट को इधर से देख भी सकते हैं और उसको आप एक्सेल के अंदर इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, जिसके अंदर इसकी कंप्लीट कमांड्स हो। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर पर एक्सेल की कमांड है, सारी एक्सेल के सारे शॉर्टकट्स हैं कम्प्लीट, और इसके साथ ये वर्ड्स भी। आप इसको आप वेब के ज़रिए आप कैसे कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कोई भी आप इधर से वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये इसमें पहले नंबर के ऊपर हमारे पास एक्सेल है, दूसरे नंबर कंप्यूटर की कमांड्स हैं, या कोई एज इट इज़ इसी तरीके से कोई भी फाइल आप देख रहे हैं जिसको आपने एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर कैसे इजीली बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, जिसको आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो हम न्यू शीट के ऊपर आ जाते हैं, इधर से आप कोई भी वेबसाइट को इधर से आप ओपन कर लें। आप ये देख रहे हैं कि आप इसको अगर इधर से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप इसको एक्सेल के अंदर पेस्ट करते हैं इधर से, और आप देखते हैं कि इसका फॉर्मेट आपका वो प्रॉपरली आउट पूरा आउट ऑफ स्केल होता है, और इसके अंदर पूरी कोई इसकी सेटिंग्स वगैरह नहीं हुई हुई होती, इसको सेट करना मुश्किल हो जाता है और दोबारा इसको सारा बनाना पड़ता है। इसी तरीके से आप कोई भी वेबसाइट्स वगैरह के जो भी डेटा है, आप इसका इस ऊपर लिंक आपको दिया गया है, इस लिंक के ज़रिए आप इसको जैसे कॉपी कर लें, कोई भी आप अपनी वेबसाइट खोल लें जिसका टेक्स्ट वगैरह आपने कॉपी करना है, कमांड्स कॉपी करनी है, कुछ भी करना है, तो आप इधर से हिसाब से आप उस वेबसाइट को ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद उसका एड्रेस आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने इधर से ऐड डेटा वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है और गेट डेटा वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, आपने फ्रॉम अदर सोर्स और इधर से फ्रॉम वेब को आपने सेलेक्ट कर लेना है। वेब को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने फ्रॉम वेब का इधर आपके पास यूआरएल आ जाएगा, आपने इधर इसको राइट क्लिक करके इधर कॉपी कर देना है, वही एड्रेस जो आपने किया था इधर से आपने इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद ये कनेक्टिंग के ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, आपका इंटरनेट इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। इधर आपको देखेंगे तो नेगेवेट एक टेबल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपके पास ये फर्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला पेज के ऊपर जो भी टेबल बना होगा वो आ जाएगा, सेकंड नंबर डॉक्यूमेंट से थर्ड नंबर के ऊपर इसी तरह आपके पास टेबल्स इसके आ जाएंगे, तो उसको आपने वन बाई वन इधर से इंसर्ट करना है सबको और इधर कर देना। तो ये जैसे मैं पहले को कॉलम को मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ बेसिक पीसी और इधर से नीचे लोड कर दूंगा, लोड करने के साथ ही ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, प्रोसेसिंग भी करेगा, और जैसे आपके पास ये डेटा आपके पास पूरा एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर एग्जैक्ट टेबल की शेप के अंदर ले आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा फॉर्मेटिंग हमारे पास सेम टू सेम उसी तरह आ गई जिस तरह हम एक्सेल के अंदर लिखते हैं। तो कोई भी डेटा आप इधर से इंपोर्ट कराना चाहते हैं उसको आप इसी तरीके से डेटा के अंदर जाके और जैसे मोर डेटा के अंदर जाके और वेब को आप क्लिक करके और जैसे अपनी वेबसाइट का जो भी एड्रेस है उसको आप इधर से पेस्ट कर दें, पेस्ट करके ओके कर दें। ओके करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि हमने पहले नंबर के ऊपर पहला डेटा इधर इंसर्ट कराया था, सेकेंड नंबर के ऊपर हम सेकेंड टेबल
लेवल जो इसका आ रहा है उसको हमें जैसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे लोड वाले बटन को हम क्लिक कर देते हैं तो आप ये देखेंगे एक्सेल की न्यू शीट इधर क्रिएट कर देगा और क्रिएट करने के बाद वो पूरा डेटा इधर हमारे पास आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कोई भी वेब के ऊपर से जो जो से फॉर्मेट जिसके ऊपर आप उसको सेव करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं उसके अंदर से आपने ऊपर इसका एड्रेस इधर से इसी तरीके से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद एक्सेल के ऊपर आ जाना है आपने, उधर से आपने इसी तरह इसका डेटा के ऊपर आ जाना है और उधर से आप इसको फ्रॉम वेब के ऊपर इधर से भी आपके पास सामने नज़र आ रहा होगा, आप इधर से इसको क्लिक करके और इधर आपने इसका यूआरएल पेस्ट करके इधर से ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये आपका कनेक्टिंग करके और पूरा का पूरा जो टेबल जो है वो आ जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एक्सेल के फॉर्मेट है हमारे पास, तो ये एक्सेल के इधर हमारे पास टेबल है, आप जो इसे टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप इधर से कनेक्ट कर दें तो ये सारा टेबल आपके पास इधर एक्सेल की शीट के ऊपर पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह देख रहे हैं पहला हमारा पीसी शॉर्टकट था, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास इसका आ गया और थर्ड नंबर के ऊपर हम इधर से एक्सेल की जो कमांड्स वगैरह हैं उसको भी हम इधर से लगाना चाहते हैं। तो आप इसी तरीके से इसको डेटा के ऊपर आ जाएं और इधर से आपने फ्रॉम वेब के ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो ये आपका पूरा डेटा आपका उसी तरीके से इंपोर्ट होता जाएगा। ये बहुत इजी और सिंपल वे है, एक्सेल के अंदर आप आसानी के साथ अपने तमाम डेटास को जो जो से भी हैं आप ऑटोकैड की कीज़ को कर सकते हैं, एक्सेल वर्ल्ड जो जो से भी आया है उसके अलावा आप कोई भी आप देखते हैं कि जो भी आपकी वर्किंग फोल्डर हैं बहुत ज़्यादा काम होते हैं आप लोगों के पास करने के लिए, एक वेब से आपने इसको करके देखना होता है हर टाइम पे ऊपर वेबसाइट ओपन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो आप उसको अपने फॉर्मेट के ऊपर इधर बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इसको वर्किंग सारी कर सकते हैं, सारा काम इजीली कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने फॉर्मेटिंग के ऊपर लेकर आ सकते हैं, कॉपी करके न्यू शीट्स वगैरह बना सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक्सेल की सारी ये शॉर्ट्स की हैं हमारे पास इधर पूरा कंप्लीट, ये पूरी शॉर्ट कीज़ वगैरह सारा इसका पूरा डिटेल आया हुआ, आप इसको सेव कर सकते हैं, अपनी प्रिंट ले सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं और किसी को व्हाट्सअप वगैरह करना चाहते हैं तो इसी तरीके से उसको व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल कमांड है एक्सेल के अंदर पूरा डेटा को कॉपी करने की। आप ये देख रहे हैं कभी हमने इधर से इसकी कमांड्स को कॉपी किया है, कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल बी से बोर्ड की कमांड आ जाएगी, कंट्रोल सी से ये आपके पास कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल डी करेंगे तो ये आपका जो लास्ट फॉर्मेटिंग होगी वो नीचे कॉपी हो जाएगा, इसी तरीके से कंट्रोल ये करेंगे तो आपके पास इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से सारी कमांड्स आप इधर से सीख भी सकते हैं, इसको आप चेक करके अपने पास रख सकते हैं, थोड़ा सा आप इस पर वर्किंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत आसानी के साथ आप उनको कर सकते हैं। एक्सेल के ऊपर भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं कमांड्स को, ऑटोकैड के कमांड्स वगैरह को भी आप इसी तरीके से कोई भी वेब के ऊपर से कॉपी करके एक्सेल के ऊपर इंपोर्ट करा सकते हैं, उसकी सारी कमांड्स को आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, इसका प्रिंट दे सकते हैं, किसी को आपने इसको भेजना है तो आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल और ईजी फॉर्मेट था हमारे पास, वेब के ज़रिए हम अपनी एक्सेल के अंदर कोई भी कमांड्स कोई भी डेटा हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आई होगी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के वाले से जो भी कोई वर्किंग वगैरह काम वगैरह आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, बहुत यूज़फुल शीट है ये शॉर्टकट्स के हवाले से, आप इसी तरीके से अपनी शीट्स वगैरह को खुद क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ बहुत ईजीली, बगैर आप किसी चीज़ के ऊपर जाके आपने अलग-अलग इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कोई भी काम अपना एक्सेल के अंदर वेब के ज़रिए सारा इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप उसके अंदर अपनी एडिटिंग वगैरह बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।